जनाब आज है 28 दिसंबर और समय हो चुका है दोपहर के 12:30 और हम लोग जा रहे हैं नगरकोट। तो नगरकोट जाने के लिए हमने पता करा, तो उन्होंने बताया हमें कि सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ से नगरकोट जाने का वो है कि पहले यहाँ से हम भक्तापुर बस स्टॉप जाएँ और भक्तापुर बस स्टॉप से हम जाएँ नगरकोट। नगरकोट के लिए बस मिलती है वहाँ से। तो हम लोग भक्तापुर बस स्टॉप जा रहे हैं, वही कल वाला ऐप यूज़ करके, पठाओ ऐप यूज़ करके कैब बुक करके, और फिर वहाँ से हम लोग बस लेंगे नगरकोट के लिए। तो चलिए अंजुल भैया, भैया बहुत लेट कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप। हमारे दोनों बैग तैयार हो चुके हैं। हेलो, हाँ कहाँ है भैया? तो चलते हैं अपनी कैब में भक्तापुर बस स्टॉप के लिए। जनाब आ गई हमारी कैब। तो जनाब यही है पठाओ ऐप से बुक करी हुई कैब जिससे हम लोग जा रहे हैं भक्तापुर, और भक्तापुर के आगे फिर नगरकोट के लिए बस पकड़नी है। तो बस चलते जाओ चलते जाओ। हम लोग उतर गए अपनी कैब से और हम जा रहे हैं बस स्टॉप पे थे अपन लोग, मगर अभी मैंने सोचा थोड़ी मेडिसिन ले लेते हैं। मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ और मेडिकल स्टोर ढूंढ रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर मेडिसिन ले ली हैं और अब चलते हैं वापस बस स्टॉप की तरफ। जाना पड़ेगा भक्तापुर और भक्तापुर के बाद वहाँ से नगरकोट की बस मिलेगी। नगरकोट जाना है? हाँ नगरकोट जाना। ठीक है, थैंक यू। कितना पर टिकट है? कितना पर टिकट है? भाड़ा? हाँ भाड़ा 30 नेपाली रुपया। ठीक है भैया। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमें भक्तापुर बस स्टॉप से पहले भक्तापुर जाना पड़ेगा और फिर भक्तापुर से हमें मिलेगी नगरकोट के लिए बस। तो भक्तापुर पहुँचते हैं, वहाँ से नगरकोट की बस मिलेगी। 30 रुपये किराया है, बहुत ही सस्ता है नेपाल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 30 नेपाली रुपये। तो जनाब यहाँ आ चुके हैं भक्तापुर, अभी हम जा रहे हैं नगरकोट की बस में, चल रहे हैं धीरे धीरे, एनर्जी बहुत कम है, तबीयत ख़राब है। चीज़ बोल सके बहुत सही है, 30 रुपये के 30 नेपाली रुपये में गजब की चीज़ बोल सकते। चलिए भैया जल्दी बस स्टॉप। अब हम आ चुके हैं भक्तापुर बस स्टॉप और यहाँ पीछे नगरकोट की बस लगेगी अभी, और हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर बस का इंतज़ार करते हुए। 790 750 हाँ 400 अच्छा ये भी 400 450 के जो भी ले लो बोले जनाब, ये 450 के। हाँ 100% बोल तो रहा है, ये बुल है, ऊन है 100% बुल बोल रही है। तो जनाब 100% बुल 400 रुपये में, यानी कि इंडियन हो गया लगभग 280 के करीब, 270 के करीब। वो पीछे माँ कल्याणी जिस पर लिखा है वो बस है अपनी नगरकोट जाने के लिए। ये जनाब अपनी घर तो खुश जाऊँ लेकिन अंजुल भैया नहीं जा पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चला जाऊँगा इस रास्ते से, लेकिन ये अंजुल भैया नहीं जा पाएंगे। जाके दिखा, चल जा तो जा तो चला गया। दिखा भैया नगरकोट जाएगी नहीं, नगरकोट। तो जनाब बस की हालत काफ़ी अच्छी है और बैठ चुका हूँ मैं बस नगरकोट की बस में और पहुँच जाएंगे लगभग आधे घंटे में नगरकोट। और इस बस का किराया है 65 नेपाली रुपये। आप अभी एक्सीडेंट होते होते बचाइए, देखिए इस SUV से भाई साहब बहुत पतली रोड है और बगल में आधा बगल खाई है कि बगल में खाई है और हमारी बस दिल तो बहुत खतरनाक है, लेकिन जो खाई है बगल में हमारे बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए खाई गिरे तो सीधा खेल ख़त्म। तो जनाब हम पहुँच चुके हैं नगरकोट के बस स्टॉप और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। चलिए अंजुल भैया आइए चलते हैं होटल की तरफ अपने। ये देखिए ओयो, ये ओयो ने हर तरफ धूम मचा रखी है होटल का भी। तो जनाब यहाँ टेम्परेचर है कुछ, मुझे लगता है समवेयर अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस या 0 के आसपास टेम्परेचर होगा। हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी चल रही है और हालत बहुत ख़राब है। अब जल्दी से जल्दी बस एक बार अपने होटल में लैंड हो जाएं। बस लैंड करा दो अंजुल भैया को। अंजुल तुम्हें मुझे नहीं।
तो जनाब यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पर, और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर सांस लेने में, और अंजुल भैया शायद निपट जाएंगे। है नहीं तो जनाब यहाँ कोई मुझे मिल नहीं रहा है और मुझे एटीएम जाना है, पैसे नहीं हमारे पास कैश। एटीएम किधर है आंटी जी? एटीएम किधर है? एटीएम नीचे है क्या? वो तो पूरा नीचे जाना पड़ेगा। चुका है अपना होटल नगरकोट हॉलीडे इन, और बगल में है अपना ओयो, तो ओयो वाले यहाँ पर आ जाना, और जो वेकेशन के लिए आए हुए आ जाना। अब तो जनाब आ चुके हैं अपने होटल पे, और ये है अपना रूम। तो गाइज ये 670 रुपये में पूरा रूम है, जिसमें एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है। रूम काफ़ी प्रीमियम है 670 रुपये के हिसाब से। अब हमारे पास ख़त्म हो चुकी है नेपाली करेंसी और इंडियन करेंसी भी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एटीएम से विदड्रॉ करने, और फिर अपन लोग आराम करते हैं आके। तो गाइज़ अभी जा रहे हैं एटीएम से पैसे विदड्रॉ करने। तो जनाब एटीएम मिल चुका है हमें बड़ी मुश्किल से, था तो होटल के बगल में ही लेकिन बड़ी मुश्किल से मिला। फास्ट कैश कैश विदड्रॉल। वो ले रहा है क्या? कार्ड ले लिया ना? हाँ। निकल जाएगा। ए कैश कार्ड ही ना आया वापस पास में। कैश विड्रॉल हां भैया, बटन नहीं चलता। हां कैश विड्रॉल कितना निकाले भैया? 10000 निकाले। हां 10000 10000 नेपाली हैं? 10000 नेपाली 10000 नेपाली। हां हां 10000 नेपाली। अरे तुम लोग पहुंच जाएंगे, हो जाएगा 10000 नेपाली। द ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, यू विल बी चार्ज एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹500 बाय नेपाली बैंक फॉर दिस ट्रांजैक्शन। तो जनाब ₹500 एक्स्ट्रा कट रहे हैं हमारे, लेकिन क्या करें हम मजबूर हैं। अरे ओके कर, वो बंद हो जाएगा ना तो। यस फिर अमाउंट डालो अमाउंट। अरे वो नहीं है, वो अरे वो नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है, बटन दो नीचे वाला। हाँ यस ऊपर वाला नीचे वाला उसके नीचे वाला। हाँ बस जनाब उससे पैसे निकले नहीं, अभी हम लोग दूसरे एटीएम में आए हैं जो कि 1 किलोमीटर दूर था, आप देखते हैं इससे निकाल के। मशा पुश्य बैंक। अबे यार एटीएम इज आउट ऑफ सर्विस, मेरा कार्ड तो लाओ। तो जनाब हमारी लंका लग चुकी है, और अभी तो बहुत ख़राब है, ठंड बहुत ज़्यादा है, एटीएम कार्ड नहीं काम कर रहा है, पता नहीं होटल में हम चार्जेस कैसे पे करेंगे, उनको कैसे कैश देंगे। हमारा कार्ड अंदर जा चुका है और एक कार्ड भी बाहर नहीं दे रहा है। तो जनाब कार्ड हमारा फंस चुका है अंदर, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब मॉर्निंग में जब ये बैंक खुलेगा तभी पैसे निकल पाएंगे। बहुत ही बेकार लगा मुझे नेपाल का बैंकिंग सिस्टम तो, और गलती हमारी भी थी कि हम लोग कैश लेकर नहीं चल रहे थे। चलो भाई अब कल मिल लेते हैं मॉर्निंग में। तो उनसे क्या बोलेंगे? आपका चल जाएगा, मेरा चल जाएगा, आई होप सो। हां बट बैंक एटीएम इज आउट ऑफ सर्विस इट सेज। वेयर? When I entered my card, it said the bank ATM is out of service. It's not going in. Did you put it in through here? Yes. It's jammed. No one can take that one out except the authorities. So tomorrow, kal ho jayega? Tomorrow in the morning. Tomorrow in the morning. Okay, fine. ATM card andar chala gaya, aur ab हम लोग फंस चुके हैं। अभी हम लोग सामने ट्राई करने वाले हैं, अभी हम लोग सामने इस दुकान पर ट्राई करने वाले हैं, अगर ये हमारा कार्ड लेकर हमें कैश दे दें तो। लेट्स ट्राई। तो जनाब यहाँ पर भी काम हुआ नहीं है, वापस से हम लोग एटीएम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अब दोनों एटीएम मशीन्स काम नहीं करी, और अब हम लोग लास्ट ऑप्शन है, हम लोग होटल जा रहे हैं, अब वहीं उन्हीं से पूछते हैं कि क्या हो सकता है आगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो, बोले भाई साहब बाहर रहिए आज एक। तो अभी हम लोग इंडिया नेपाल RTGS करने वाले हैं, यही एक रास्ता बचा हमारे पास, देखते हैं अगर हमारे बैंक से RTGS हो गया तो मज़े आ जाएंगे, नहीं तो लंका तो लगनी है ही। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी गिर रहा है, और अब इस वक्त 0°C हो चुका है। अब हालत बहुत ही ख़राब है हमारी, बहुत ही परेशान है हम लोग, देखते हैं अब क्या होता है। शायद आज बाहर ही रुकना पड़े नगरकोट में, और बर्फ़ तो नहीं गिरेगी भैया? फिर से बोला ना डिकैथलॉन वाला, वो बैग ले ले। चलिए सर
We are unable to withdraw money through those ATMs. Huh? Is it possible to send money through RTGS? Where? To your bank account. From where? From India? Indian bank account to Nepalese bank account. Yeah, you can send. How much? The cost is of room is balcony room is 1,500. Ma'am said cost is somewhere around 1,500 for balcony room. So we'll be paying you 10,000 rupees. If possible, if you can give us cash. Yeah, huh? No problem. Okay, fine. आइए. तो जनाब RTGS भी काम नहीं आया और इतनी मशक्कत करने के बाद अंजुल भैया को याद आया कि उनके पास भी एक क्रेडिट कार्ड है और उससे पैसे निकल गए. पैसे आ गए. तो जनाब पैसे निकल आए हमारे और ये है 10,000 नेपाली रुपये. तो गाइस हम लोगों ने फाइनली रूम भी चेंज कर लिया है और अभी अपन आ चुके हैं अपने नए रूम में. इस रूम में हमें बालकनी भी हुए हैं और इस रूम की कॉस्ट हो गई समेर अराउंड 920 रुपये. और ये है अपना वॉशरूम. वॉशरूम भी साफ है बेहतरीन. थक गया जरा. अपने होटल में ही हम लोग डिनर कर रहे हैं और यहाँ हमारा हीटर चल रहा है और इधर हमारा खाना है. ये हमारी वेज थाली आ चुकी है. तो चलते हैं डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे. पेट पूजा हो गई है और खाना हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ. तो मिलते हैं आपसे रूम में. तो जनाब रात के बज चुके हैं 11:15 और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है. तो अब जल्दी से सो जाते हैं और क्योंकि मॉर्निंग में हमें अपना कार्ड भी लेने जाना है जो कि बैंक के ATM में फंस गया था. तो जल्दी से सो जाते हैं और फिर मिलते हैं कल आपसे. टिल देन गुड बाय.